योगिता, वेलकम टू अवर चैनल प्राइस सिटी प्रॉपर्टी गुरु। सो गाइस, आज आपको इस वीडियो में मैं एक ब्यूटीफुल विला प्रेजेंट करूंगी विद द साइज ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स विद द कंसेप्ट ऑफ 4 बेडरूम्स, पूजा रूम एंड स्टोर रूम। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एलिवेशन के बारे में। बहुत ही सिंपल सा जो है इसका एलिवेशन रहेगा, जिसमें टफन ग्लास का यूज़ हुआ है एंड बहुत ही अच्छे डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ग्रे कलर यूज़ हुआ है, ब्राउन कलर यूज़ हुआ है एंड ऑफ वाइट यूज़ किया है। ओवरऑल एक ब्यूटीफुल एंड एक डिसेंट लुक के साथ जो है ये विला जो है डिज़ाइन हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ गाइस इसकी लोकेशन की, तो ये 125 सेक्टर सनी इनक्लेव मोहाली में जो है आपका पड़ेगा। एंड ये जो विला रहेगा गाइस आपका 60 फीट वाइड रोड पे रहेगा, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रोड जो है आपको फ्रंट में ही आपको मिल जाएगी। तो पार्किंग का जो मेजरली इश्यूज आता है गाइस, वो भी नहीं आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये आपका जो है रैंप रहेगा एंड जो आपका मेन डोर रहेगा गाइस, वो प्रॉपर आयरन के साथ जो है हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो सबसे पहले हमारा पार्किंग एरिया आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ गाइस आपको ये पार्किंग एरिया मिल रहा है, जहाँ पे आपकी एक बड़ी गाड़ी आराम से यहाँ पे जो है पार्क हो जाएगी। तो उसी के साथ अगर मैं आपके इस एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वुडवर्क जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपका इजीली 2 व्हीलर्स जो है आप आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। एंड सामने मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो है एक मिट्टी डली हुई है, तो प्रॉपर ग्रीन एरिया यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। चेयर्स लगा के यहाँ पे सनलाइट एंजॉय कर सकते हैं, जैसे विंटर सीजन चल रहा है। एंड यहाँ पे आप साथ ही साथ वॉशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये एरिया। आपको यहाँ पे टैप्स भी हम जो है प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस, इसी के साथ यहाँ से आपकी विला की जो है मेन एंट्रेंस रहेगी। एज इट इज़ जो है आपको बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है डोर मिलेगा। तो आइए चलते हैं अंदर। सो गाइस, जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप डोर देख सकती हैं, ये भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वुडन के साथ। यहाँ पे जो है मिरर का यूज़ हुआ है, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एंट्रेंस पे ही आपका डोर रहेगा। एंड इसी के साथ हम अगर हम चलते हैं आगे, तो हमारा आ जाता है ड्राॅइंग एरिया। काफ़ी अच्छे गाइस स्पेस के साथ जो है आपको ड्राॅइंग एरिया मिल रहा है। आराम से 8 to 9 सीटर सोफा सेट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हम इस वॉल की बात करें, तो काफ़ी ब्यूटीफुल जो है आपको ये वॉलपेपर यहाँ पे मिल जाएगा। विद 2 फैंसी लाइट्स भी हम आपको एज इट इज़ दे रहे हैं। एंड फॉर द पर्पस ऑफ सनलाइट विंडो आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी विंडो जो है आपको यहाँ पे मिल रही है। इसी के साथ अगर हम डाउन सीलिंग की बात करें, तो फुली वुडवर्क के साथ एंड लाइट्स के साथ आपको डाउन सीलिंग भी मिल रही है। सो गाइस, अगर हम इधर वॉल की बात करें, तो यहाँ पे प्रॉपरली आपको जो है वुडवर्क मिलेगा। काफ़ी अच्छे कैबिनेट्स यहाँ पे बने हुए हैं, ताकि आप डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी चीज़ जो है आपको ड्राइंग एरिया की यहाँ पे मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये वॉल को अगर आप देखेंगे, तो लाइट्स के साथ काफ़ी अच्छा वुडवर्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो जैसे हम आगे बढ़ते हैं गाइस, तो आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे भी गाइस मिल जाएगा। आराम से 7 to 8 सीटर सेट डाइनिंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हम इधर बात करें, तो एक LED पैनल की तरह ये डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आपका LED आ जाएगा एंड डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे गाइस आपको मिल रहे हैं। तो स्टोरेज कुछ भी करना हो, तो आप ईजिली यहाँ पर जो है इधर स्टोर कर सकते हैं। देन हम बढ़ते हैं आगे। सो ये आ जाएगी हमारी किचन। यू शेप में जो है गाइज ये किचन डिज़ाइन की गई है। ड्यूल सिंक आपको यहाँ पे जो है मिल रही है। इसी के साथ एक काफ़ी बड़ी विंडो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर जैसे कोई वुमेन यहाँ पे वर्क कर रही है, अगर कोई आपके बेल बजा रहा है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपके घर के बाहर कौन आया हुआ है। तो प्रॉपर अच्छा व्यू यहाँ से आपको जो है अपनी एंट्रेंस का जो है मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको चिमनी मिल रही है एंड काफ़ी अच्छे सेक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको आपके कैबिनेट में जो है प्रॉपर यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम इस तरफ की बात करें, तो आपका OTG माइक्रोवेव की ऑलरेडी हमने सेक्शंस यहाँ बनाए हुए हैं। एंड गाइस, इसी के साथ पेंट्री के लिए भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आजकल छोटी छोटी नेसेसिटीज़ होती हैं किचन के अंदर, वो हम सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं।
फुली आपको हाइड्रोलिक किचन हम आपको यहाँ पे देंगे। एंड इसी के साथ अगर हम सीलिंग की बात करेंगे तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के साथ आपको वुड वर्क के साथ हम सीलिंग यहाँ पे दे रहे हैं। एंड एंट्रेंस पे ही गाइस ये आप फैंसी लाइट्स देख सकते हैं, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है एंड एक फुली मॉडुलर किचन हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, हम इस एरिया की तरफ अगर हम चलते हैं तो एक एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पे आज जो है आपको मिल रहा है, साथ में आपका यहाँ पे बेसिन एंड मिरर भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ एक ये वुड वर्क के साथ जो है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है, अगेन एंटीक एंड डेकोरेटिव चीज़ों से आप इस एरिया को जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अभी तक हमने देखा अपना ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया एंड किचन, तो अब हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। उससे पहले गाइस मैं आपको यहाँ डाइनिंग एरिया का भी आपको सीलिंग दिखाना चाहूँगी, फुली वुड वर्क के साथ LED लाइट्स के साथ आप इस एरिया को भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सीलिंग यहाँ पे भी यूज़ की हुई है। तो चलते हैं हम अपने बेडरूम्स की तरफ। सो ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम गाइस। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के वॉलपेपर की, काफ़ी अच्छा कलर कॉफ़ी कलर का यहाँ पे यूज़ हुआ है, बहुत ही सुंदर सा वॉलपेपर आपको मिल रहा है। एंड गाइस बेड के बिल्कुल एडजॉइनिंग दोनों साइड्स पे आपको फैंसी लाइट्स जो है यहाँ पे मिल रही हैं, बिल्कुल सामने हमारा एक ब्यूटीफुल सा वुड वर्क के साथ आपको LED पैनल मिल रहा है, जहाँ पे बड़ी से बड़ी स्क्रीन आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। नीचे सेक्शंस भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ताकि छोटा मोटा सामान आप इंटरनली स्टोर कर सकते हैं। इसका भी अगर हम कलर देखेंगे तो आपके पूरे रूम के कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है स्पेशली गाइस। एंड अगेन इस रूम में भी सीलिंग पे एक डिफरेंट सीलिंग डिज़ाइन आपको यहाँ पे जो है मिलेगा। यहाँ पे आपको गाइस विंडो मिल रही है ताकि आपको प्रॉपर सनलाइट आपके रूम में भी आपको मिलती रहे। एंड सामने हमारा गाइस आ जाता है ड्रेसिंग एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुली ये डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है आपको मिरर मिल जाएगा एंड आप अच्छे से यहाँ पे तैयार हो सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाएगा गाइस स्टोरेज का, अच्छे कैबिनेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है डिस्प्ले आप कर सकते हैं अपनी चीज़ें। एंड गाइस इसी के साथ आ जाती हैं आपकी वार्डरोब्स, तो काफ़ी अच्छा स्पेस एंड एरिया आपको स्पेशली आपके क्लॉथिंग के लिए मिल जाएगा, फुली हाइटेड आपको वार्डरोब्स मिलेंगी। एंड जो कंसेप्ट आप देख सकते हैं आपकी वार्डरोब एंड ड्रेसिंग एरिया में सेम है जैसा आपके रूम का कंसेप्ट था। तो आगे चलते हैं हम अपने वॉशरूम के अंदर गाइस। इस विला के स्पेशली आप वॉशरूम्स देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम्स आपको सारे मिलेंगे एंड जितनी भी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड गाइस इसी के साथ आपको अटैच जो है आपका बैकयार्ड मिल जाएगा। सो गाइस ये आपका बैकयार्ड रहेगा, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पर्टिकुलरली ये आपका वॉशिंग एरिया रहेगा, ऑलरेडी हमने टैप्स यहाँ इंस्टॉल कर रखी हैं, ओपन टू स्काई रहेगा तो प्रॉपरली आपको वेंटिलेशन मिलती रहेगी। एंड गाइस अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रिलिंग हमने प्रोवाइड कर रखी है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो ये आपकी जो बैकयार्ड का एक्सेस रहेगा वो आपके दोनों रूम्स के साथ रहेगा। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम में। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, तो इसी के साथ एडजॉइनिंग रहेगा हमारा सेकेंड बेडरूम, तो आइए चलते हैं सेकेंड बेडरूम में। सो गाइस दिस इज योर सेकेंड बेडरूम विद अ डिफरेंट कलर थीम एंड डिजाइंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वॉलपेपर की, वाओ व्हाट अ कलर कॉम्बिनेशन गाइस, बहुत ही सुंदर जो है आपको यहाँ पे ये वॉलपेपर मिल रहा है, पर्सनली लाइक दिस वॉलपेपर। एंड इसी के साथ राइट हैंड साइड पे आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर मिरर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा मुझे ये मिरर लगा। एंड स्पेस के लिए भी आपको डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है ओवरऑल। एंड गाइस यहाँ पे भी जो है आपको बेड के दोनों तरफ एडजॉइनिंग आपको फैंसी लाइट्स मिल रही हैं। एंड इसी के साथ आप ये कबर्ड्स देख सकते हैं, फुली हाइटेड आपको कबर्ड्स मिल रहे हैं स्लाइडिंग डोर के साथ, बिल्कुल सामने आ जाएगा हमारा LED पैनल विद द सेम कलर थीम गाइस, जो मुझे स्पेशली इस विला की खासियत लगी है कि हर चीज़ हर रूम में एक डिफरेंट कलर आपको मिलेगा, डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पे मिलेगा एंड सभी का कलर थीम जो है साथ साथ इन्होंने जो है मैच करने की प्रॉपरली कोशिश की हुई है, आपको सेम एज इट इज़ मिल रहा है। एंड डिफरेंट यहाँ पे आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगे तो आप LED पैनल में भी स्टोर कर सकते हैं। अलग हम बात करते हैं इसकी सीलिंग डिज़ाइन की गाइस, वुडवर्क के साथ आपको ये डिफरेंट सीलिंग यहाँ पे इस रूम में भी मिल जाएगी। एंड इसी के साथ आपका अटैच रहेगा गाइस वॉशरूम
अगेन विद ऑल ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स जो है आपको ये मिलेगा विद गुड स्पेस एंड फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन. आप ये डोर देख रहे हैं, आपको बैकयार्ड का यहाँ से भी एक्सेस रहेगा एंड विंडो भी यहाँ पे आपको एक मिल रही है फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन. सो ये था गाइज हमारा सेकेंड बेडरूम. तो ओवरऑल अभी हमने प्रॉपर अपना ग्राउंड फ्लोर जो है देख लिया है, जिसमें आपको किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया एंड टू बेडरूम्स का ऑप्शन मिल रहा है. सो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर में विद दिस स्टेयरकेस. सो गाइज स्टेयरकेस पे भी अगर हम बात करें इसकी ग्रिलिंग की, तो आपको टफन ग्लास के साथ स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे यूज़ हुआ है एंड फ्लोरिंग पे आपको ग्रेनाइट मार्बल मिलेगा. सो अगर हम इस वॉल की भी गाइज बात करें, तो फुली वॉलपेपर आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है. एंड अगर हम ऊपर भी अगर देखेंगे, तो डिफरेंट अच्छा सा जो है शेप्स जो बनी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी लुक आपकी जो है स्टेयर केस एरिया को जो है यहाँ पे दे रही है. तो आइए आगे बढ़ते हैं. एंड गाइज मेरे बिल्कुल सामने अगर हम वॉल की बात करें, तो काफ़ी अच्छा वुडवर्क जो है आपको सामने वाली वॉल में भी मिल जाएगा. सो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ब्यूटीफुल सा शेंडर जो यहाँ पे हम आपको एज इट इज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे थर्ड बेडरूम में गाइज. सो ये रहेगा आपका थर्ड बेडरूम, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ जो है हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वॉलपेपर की. काफ़ी अच्छा कलर यहाँ पे जो है आपको मिल रहा है एंड डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा जो है आपको इस वॉलपेपर में हम प्रोवाइड कर रहे हैं. आपको दोनों तरफ जो है फैंसी लाइट्स यहाँ पे मिल जाएंगी. जो अगर हम कबर्ड्स की बात करें, तो गाइस फुल हाइटेड आपको कबर्ड्स मिल रही हैं विद स्लाइडिंग डोर के साथ. एंड इसी के साथ एलईडी पैनल भी गाइस वुडवर्क के साथ एज इट इज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं. तो स्टोरेज का आपको कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे. तो गाइस अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, तो ओवरऑल जो थीम रहेगा हर एक चीज़ का, वॉलपेपर के कलर का, आपके एलईडी पैनल्स का एंड कबर्ड्स का, सब कुछ हमने सेम रखा है ताकि आपका जो रूम रहे वो काफ़ी अच्छी आपको जो है लुक्स दे. एंड सीलिंग की डिज़ाइन की बात करें, तो गाइस वुडवर्क के साथ हम आपको यहाँ पे लाइट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं. इस वॉल पे गाइस प्रॉपरली आपको जो है विंडो मिल रही है, ताकि सनलाइट एंड वेंटिलेशन आपके रूम में आती रहे. तो आगे बढ़ते हैं हम अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ. तो काफ़ी अच्छा स्पेस के साथ जो है गाइस आपको ये ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है. काफ़ी अच्छा मिरर यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आप अच्छे से तैयार हो सकते हैं, सज धज की पार्टी करने जा सकते हैं. एंड कैबिनेट भी यहाँ पे मिल रहे हैं, ताकि आप मेकअप स्टोर कर सकें. इसी के साथ आ जाता है हमारा वॉशरूम, जिसमें आपको अच्छा स्पेस मिल रहा है एंड जितनी भी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी. सो गाइज ये था हमारा थर्ड बेडरूम. तो आइए चलते हैं हम अपने फोर्थ बेडरूम में. तो गाइज फोर्थ बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको एक ड्राई किचन का कंसेप्ट दिखाना चाहूँगी. सो गाइज ये आपकी एक ड्राई किचन रहेगी और मिनी किचन का कंसेप्ट जो इस विला में आपको मिलेगा. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको स्टोरेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे गाइज, जहाँ पे आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं. एंड एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको कैबिनेट्स में यहाँ पे मिल रहा है. सो गाइज इसी एरिया के साथ जो है आपका फ्रंट बालकनी जो है एडजॉइनिंग रहेगी. एंड गाइस एक बालकनी भी जो है आपको इस किचन के साथ जो है एडजॉइनिंग रहेगी. काफ़ी अच्छा स्पेस आपको बालकनी का जो है यहाँ पे मिल जाएगा. ग्रिलिंग की अगर हम बात करें, तो टफन ग्लास के साथ स्टेनलेस स्टील आपको यहाँ पे मिल रहा है. एंड अगर हम यहाँ पे बात करें, तो प्रॉपर ब्राउन कलर की टाइल्स यहाँ पे यूज़ हुआ है. एंड यहाँ पे जो है आपको लाइट्स भी मिल रही हैं, जो नाइट की लुक रहेगी आपके विला की वो बहुत ही ज़बरदस्त लुक रहेगी गाइस. एंड ये जो बालकनी रहेगी गाइस, इसे हमने कवर किया हुआ है, जिसका टॉप रहेगा पीवीसी पैनलिंग के डिज़ाइन के साथ, जो कि अगेन एक अच्छे कंसेप्ट जो है इस विला में आपको देखने को मिलेगा. तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो गाइस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. ये हमारा रहेगा स्टोर रूम. तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने सामान जो है स्टोर कर सकते हैं. एंड इसी के साथ गाइस हमारा रहेगा पूजा रूम. इसका फ्रंट अगर हम देखेंगे, तो काफ़ी अच्छा इसका फ्रंट रहेगा, जिसमें हम आपको फैंसी लाइट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड काफ़ी अच्छा कलर थीम आपको जो है आपकी पूजा रूम में मिल जाएगा. डिफरेंट सेक्शंस हम ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं, ताकि आप अच्छे से जो है अपने पूजा रूम को डेकोरेट कर सकते हैं.
तो इसी के साथ एक स्पेस आप बोल सकते हैं, एक हॉल टाइप का स्पेस आपको फर्स्ट फ्लोर पे आपके मिल जाएगा, जिसमें अगर हम सीलिंग की भी बात करें तो प्रॉपरली वुड वर्क के साथ एक डिफरेंट डिज़ाइन आपको आपकी सीलिंग पे जो है मिल रहा है। अगर आप चाहें तो अपने हॉल में सोफ़ा सेट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस इज़ वेरी सफिशेंट। तो हम चलते हैं अपने फोर्थ बेडरूम में गाइस। सो ये रहेगा आपका फोर्थ बेडरूम गाइस, विद अ वेरी गुड स्पेस आपको ये रूम जो है मिल रहा है। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वॉलपेपर के बारे में। तो डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिज़ाइन के साथ अगेन हर रूम में गाइस आपको डिफरेंट वॉलपेपर देखने को मिलेगा। अगेन दो फैंसी लाइट्स आपको जो है यहाँ पे मिल रही हैं। सीलिंग की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी एक डिफरेंट डिज़ाइन और वुडवर्क गाइस, हर जगह आपको हर रूम में वुडवर्क का स्पेशली अगर आप नोटिस करेंगे तो हम सीलिंग में आपको प्रॉपरली वुडवर्क दे रहे हैं, जिससे आपकी हर बेडरूम के जो लुक्स रहे वो डिफरेंट रहे एंड अच्छी लगे आपका। एंड सामने अगर हम एलईडी पैनल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपरली वुडवर्क के साथ डिफरेंट सेक्शंस जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप डेकोरेटिव आइटम्स जो है यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले करेंगे तो इसकी लुक और अच्छी लगेगी और ब्यूटीफुल जो है आपका रूम जो है लगेगा। एंड नीचे कैबिनेट्स भी हम आपको दे रहे हैं, ताकि जैसे रिमोट हो गया, टीवी का, इसे आप इजिली जो है वो अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड साथ में ही आपको ड्रेसिंग एरिया एंड कबर्ड्स का सेक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ड्रेसिंग एरिया। अगेन आपको एक मिरर मिल रहा है, स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रेसिंग एरिया जो है डिज़ाइन किया हुआ है। तो आगे हम आते हैं वार्डरोब्स की तरफ। फुली हाइटेड आपको वार्डरोब्स मिल जाएंगे यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा गाइस। एंड इसी के साथ आ जाता है हमारा वॉशरूम विद वेरी गुड स्पेस गाइस, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको वॉशरूम से मिलेगा, विद वैनिटी मिलेंगे एंड जितनी भी ब्रांडेड फिटिंग्स, जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी गाइस, वो सारी की सारी आपको ब्रांडेड मिलेंगी यहाँ पे। एंड गाइस इस रूम में आपको एक विंडो भी मिल रही है सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए। एंड गाइस ये जो डोर आप देख रहे हैं ये आपकी बैक बालकनी का डोर रहेगा, जिसे मैं आपको दूसरे डोर से दिखाऊंगी। तो आइए चलती है मेरे साथ। तो गाइस ये जो डोर आप देख रहे हैं ये आपको बैक बालकनी से कनेक्ट करेगा, तो आइए चलते हैं। सो गाइस ये आपकी बैक बालकनी रहेगी विद अ वेरी गुड स्पेस एंड इसकी कनेक्टिविटी जैसा मैंने आपको बताया आपके फोर्थ बेडरूम से भी रहेगी। एंड जो ग्रिलिंग हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो आयरन की ग्रिलिंग जो है इस एरिया में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड गाइस ये जो स्टेयर केस आप देख रहे हैं हमारे टेरेस को जाएगी, जहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाना चाहूँगी। सो आइए चलिए। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं हमारी टेरेस पे, यानी हमारे सेकंड फ्लोर पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। सो गाइस ये जो एरिया रहेगा ये आपके सॉमेज रूम के लिए अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्टोर रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्पेस आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है। एंड ये जो आप सामान देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे फिनिशिंग वर्क जो है विला का चल रहा है, तो इसलिए ये सामान यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड इस रूम में आपको एक विंडो भी मिल रही है गाइस, प्रॉपरली सनलाइट आपको इस रूम में आती रहे। एंड इसी के साथ गाइस यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल रहा है वार्डरोब रखने का, काफ़ी अच्छा स्पेस रहेगा। इसी के साथ अटैच आपको वॉशरूम भी यहाँ पे मिल रहा है, तो प्रॉपर हमने अच्छे तरीके से ध्यान रखा हुआ है कि अगर आप घर में 100 इंच भी रखते हैं तो एक अच्छा स्पेस हमने इस रूम को भी दिया है। इसी के साथ गाइस आपकी बैल्कनी का भी यहाँ पे आपको एक्सेस मिल रहा है। सो गाइस ये आपके फिफ्थ बेडरूम की जो है बालकनी रहेगी, तो जिसका स्पेस काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रिलिंग में आपको टफन के साथ स्टेनलेस स्टील हम यहाँ पे दे रहे हैं। एंड गाइस जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो इसके एलिवेशन में हमने यूज़ किया है टाइल यूज़ यहाँ पे आपको मिलेगा, ताकि इसकी जो लुक रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी लुक जो है आपकी विला को मिलेगी। सो गाइस ये आपकी ओपन टेरेस रहेगी, यहाँ पे G+2 का कंसेप्ट रहता है गाइस। अगर आप इस एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग प्राइस एंड द लोकेशन, सो प्लीज़ नीचे के नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल प्राइस सिटी प्रॉपर्टी गुरु। थैंक यू।